really good to see you second time on the same place, same venue. You're looking super hot, super gorgeous. Before I ask you anything, you know, what is the most challenging part while doing this show? You know, जब आप दूसरा show, दूसरा करते हैं, episode करते हैं, कोई, you know, कोई एक ऐसा show जो पहले ही बहुत कामयाब हो गया और उसके बाद में जब second पारी खेलते हैं, तो क्या किन चीजों का ध्यान रखा और क्या खास होगा और what is the most challenging part while working on Super Dancer 2? मैं हिंदी में जवाब दूं कि मैं English. आपकी इच्छा है मैम. हाँ. Mix of English and English. Mix अच्छा. What does that mean? I don't know this mixture. Okay. What is this mixture? English. Choice is yours. It's a really interesting question because I have judged many a dance shows. लेकिन इस शो पे खास तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए ये रहा है कि बच्चों को जब हम लोग वापस भेजते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि हम रिजेक्ट वर्ड का कभी इस्तेमाल नहीं करते, टू मेक शो के हाउ वी कैन एक्चुअली इनकरेज देम एंड उनके पैशन को बरकरार रखते हुए हाउ टू टेल देम टू यू नो होन देयर टैलेंट अ लिटिल मोर, वो सबसे मुश्किल पार्ट होता है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव काइंड ऑफ स्कोर्ड पॉइंट्स बिकॉज पिछले सीजन के कुछ चार पांच बच्चे इस सीज़न में वो वापस आए और इस सीज़न में चैप्टर टू में वो सिलेक्ट हो गए हैं. तो वी मस्ट हैव डन आ जॉब टू सम एक्सटेंट बिकॉज बहुत मुश्किल होता है एज ह्यूमन बींग्स टू से नो टू अ चाइल्ड हु इज़ सो टैलेंटेड. क्योंकि जो जो आए हैं इस बार सिलेक्शन के लिए, ऑडिशंस के लिए, इट्स बिन इनक्रेडिबल टैलेंट. तो दैट इज़ बिन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू से नो. आई थिंक कुछ 25 बच्चे थे मेगा ऑडिशन से पहले एंड टू गेट देम डाउन टू 12 फॉर द सुपर 12, दैट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर अस. ओके शिल्पा, यू नो वी हैव सीन द प्रोमो वेयर विद अ स्पेशल ग्रुप फॉर अ किड, यू नो वेयर ही इज नॉट ही हिमसेल्फ इज अ स्पेशल वन, यू नो. जिस वक्त वो एपिसोड शूट किया एंड देन यू केम टू नो कि ही इज द गुरु, द स्पेशल गुरु, यू नो, व्हाट वाज योर रिएक्शन? एंड गीता, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या मतलब एकदम अद्भुत था वो, एक गुरु और अलग तरीके से सिखाना, एक ऐसा गुरु जो शायद हमने किसी ने भी नहीं देखा होगा. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, यू नो, बींग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बींग अ कोरियोग्राफर और शिल्पा बींग एन एक्टर, बींग एन आर्टिस्ट? सो व्हेन ये सोनी टीवी वाले ना, वो पूरी बात हम लोगों को बताते नहीं हैं. तो दे सेड अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो हम लोग बैठे हुए थे, तो वो जो गुरु थे वो बैठे हुए थे, तो हमने देखा नहीं कि यू नो ही वॉज हैंडीकैप्ड इन अ वे. तो ऐसी जब बच्चे ने परफॉर्म किया तो वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने, गुरु ने. तो मैंने गीता की ओर देख के मैंने कहा कि ओहो, यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं, गुरुजी होंगे या कोई फैमिली मेम्बर होंगे. तो जब हम लोग स्टेज पे गए तो ये बस बात बोल के, क्योंकि वी सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स गेटिंग इमोशनल, तो हम लोग स्टेज पे गए और जब उनका नाम अनाउंस हुआ और हमने पूछा बच्ची से कि आप अपने गुरु को बुलाइए स्टेज पे, तो वो उठ के जब आए तो मेरा दिल ना बैठ गया और मैंने गीता की तरफ ऐसे देखा एंड आई फेल्ट सो बैड एज अ ह्यूमन बींग के मैंने मजाक उड़ाया उनका और वो ऐसे आए. तो इट वॉज अनबिलीवेबल. मैंने कभी इस लेवल का डेडिकेशन नहीं देखा. और जो गुरु और उस बच्चे की जो साझेदारी थी वो बहुत ही प्यारी साझेदारी थी एंड इट वॉज रियली वेरी हार्ट रेंचिंग एंड हार्ट वार्मिंग. गीता, व्हाट डिड यू हैव टू से अबाउट दैट एंटायर इंसिडेंट? एक्चुअली उस दिन पैर हिलना शुरू हुआ था. हाँ, ये शुरू हो गया ना, रोने लग गए. हाँ, ऑलमोस्ट शुरू हो गया था. शुरू हुआ. वो तो शुक्र है यहाँ कुर्सी नहीं है. आ रहा है, ऊपर आ रहा है. बस इमोशन. और एक मिनट बात करना था उसे, बस हो जाता, फिर शुरू हो जाता. प्लीज शी पास्ट इट ऑन लदर एंड शी सेड, गीता, व्हाट डू यू हैव टू से? बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हम तीनों को उस मंच पर, हम एक दूसरे को देखकर हमें ऐसा लगा और उनको देखकर ऐसा लगा कि हम वाकई में जिंदगी में बहुत कम हैं. क्योंकि वी क्रिब अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम हर चीज़ को लेके हम हमेशा नाखुश रहते हैं. ये और ज़्यादा होता तो, ये हमारे पास होता तो, एंड देन देर इज़ दिस पर्सन. ना होते हुए भी सब कुछ था. सो आई फेल्ट एक्सट्रीमली हम्बल्ड एंड टोटली. एक होता है कि एक आई ओपनर होता है आपके लिए कि देख लो जिंदगी में
कोई चीज़ की कमी आपको बड़ा काम करने से रोक नहीं सकता. एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट दैट पर्सन थॉट अस दैट डे. सो आई वेंट होम विद अ वेरी बिग लेसन दैट डे. एन पी सर, आपसे सवाल है मेरा. खड़े नहीं होते हो कैमरा. अभी खबरें थी सर, हमने जाना भी पिछले दिनों हादसा हुआ था सुपरस्टार के सेट पे, तो अभी शूटिंग वहीं पे होगी सारी, और कैसे रिकवर किया और क्या स्थिति थी? थैंकफुली जब वो हादसा हुआ तो हमारा ऑडिशन जो हो रहा था वो ख़त्म हो चुका था थर्सडे. ये सैटरडे को इंसिडेंट हुआ, और अभी हम हमारा सेट बन रहा है फिल्म सिटी में. वी विल शूट फ्रॉम गाला वन ऑनवर्ड्स इन फिल्म सिटी. शिल्पा, हाय शिल्पा, आई वुड लाइक यू टू शेयर योर सेंटिमेंट्स. यू नो यू आर ओरिजिनली फ्रॉम चेंबूर एंड ये आरके स्टूडियोज में ये हादसा हुआ. So, you know, what was your reaction and how did you, you know, what was the sentiment that you went through after you heard about the tragedy? See, you know, we filmed at RK the entire last season, and when we came this time, it was like a homecoming. It had literally become our abode. And a day before that, we had just finished with the mega auditions. So it has actually shaken the entire team, and I consider myself part of this Super Dancer family. It was very hard. Maybe we are not expressing it, but I believe in life we have to view things with positivity, and it has definitely shaken up the team. Lekin इस बात की खुशी है हमें कि देयर वर नो कैजुअलिटीज. आई थिंक टू यू नो हैव कैजुअलिटीज ऑन अ सेट एंड देन मूव ऑन इन लाइफ विद दैट इज अ बिगर लोड टू लिव विद. सो व्हेन यू लूज, आई मीन व्हेन यू लूज अ सेट, आई एम श्योर दैट कैन बी इरेक्टेड एंड इट कैन यू नो डैमेज कंट्रोल कैन बी डन देयर. बट व्हेन यू लूज अ लाइफ, गॉड फॉरबिड, और यू नो यू गेट यू सी समवन हर्ट, दैट इज इररिपेरेबल. सो आई जस्ट थैंक आवर लकी स्टार्स दैट we don't have to, you know, carry that baggage. A big congratulations to all of you. This is Simran Singh from Book My TV. Mera sawal aapse hai Shilpa ji ki Geeta ji ne kaha ki this is the first season jahan pe, you know, aap dono ke beech mein behas hogi because of selection process. Yeah, to janna chahte hai ki dada ka kya role raha hai usme, matlab aisa kabhi hua ki dada ke sath bhi behas hui hai ya unhone mitane ki koshish ki hai? Please elaborate on that. Nahi karoge. That's a really interesting question that you asked me. बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि हाउ इज दैट, यू नो यू ऑल डोंट हैव आर्ग्यूमेंट्स. एंड ये जायज़ सी बात है क्योंकि हम तीनों अलग लोग हैं, हम लोगों का नज़रिया अलग है. नज़रिया अलग हो भी सकता है, इट्स नॉर्मल, राइट? सो आई जस्ट थिंक दैट द ब्यूटी अबाउट आर रिलेशनशिप एंड अबाउट दिस सुपर डांसर पैनल इज द फैक्ट दैट वी आर ओके विथ डिसएग्रीइंग एंड we still respect each other's opinion, and I think that's a very important quality. So is baar I think pehli baar aisa hua ke super dancer chapter 2 mein geeta aur mujhe ek dancer bahut acha laga aur anurag dada ko acha nahi laga, and he rejected that not rejected he sent the dancer home for revision. Aur phir mujhe aur anurag dada ko acha laga koi, aur phir geeta ko acha nahi laga, aur phir aisa hua ke anurag dada aur geeta ko acha laga aur phir mujhe acha nahi laga. ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ये दोनों समझते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, और ये लोग भी समझते हैं. बट मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा एडेड ओनस सा आ गया है बिकॉज एक बेंचमार्क सुपर डांसर वन ने, चैप्टर वन ने सेट किया है. तो इट यू हैव दैट एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड लाइक आई सेड बिफोर, मैं वापस दोहराऊँगी कि इस सीज़न में इस चीज़ को देख के जिन बच्चों को वापस भेजा गया था पिछले सीज़न में रिविजन के लिए, इस बार और बेहतर होके ज़्यादा मेहनत करके इस बार आए हैं और इस बार सिलेक्ट हो गए हैं, दैट काइंड ऑफ अप्ड माई कॉन्फिडेंस टू बी ओके विद सेइंग नो टू अ चाइल्ड. सो या देयर आर ऑलवेज डिस्कशंस बट नो. मैं आपको समझ गया हूँ, आप ये पूछना चाहते हैं मेरी चलती है कि नहीं. मेरी नहीं चलती है. सच्चा लायर अनुराग की नहीं चलती है. नहीं चलती है. किस मामले में नहीं चलती? अच्छा ठीक है, ओके ओके. नहीं नहीं, अब बता दो किस मामले में नहीं चलती. दोनों में से कौन ज्यादा दबाती है? कौन? दोनों में से क्या?
जिनका वजन ज्यादा है अंडर प्रेशर दैट यू कांट डू दिस नो वन कैन से एनीथिंग टू एनीवन वी नो दैट आल्सो शिल्पा से डरता हूँ शिल्पा से छुप छुप के खाना पड़ता है हम सब डरते हैं इनसे इनकी नजर हर किसी के खाने पे रहती है खाने के लिए नहीं रोकने के लिए एंड आई थिंक जो और एक चीज अच्छी हुई है जो एक अच्छी चीज हुई है कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए थैंक्स टू शिल्पा वी बिकम हेल्थ एटलीस्ट आई हैव एंड ये अटेनेबल बाकी लोगों के लिए होगा मेरे लिए तो नहीं है बट आई वॉन्ट टू बी हेल्दी एंड दैट समथिंग दैट शी गॉट आउट ऑफ सुपर डांसर 2 में आ जाते हैं हेलो माय क्वेश्चन यहां पे रोक टोक नहीं कर सकते हमारी नहीं चलती यहां पे आपको दिख रहा है मैंने गिव अप कर दिया है मैं लेफ्ट की तरह दिखती नहीं हूं अभी मेरा पूरा फोकस गीता के ऊपर है कैन आई प्लीज से समथिंग कि ये जितना बोल रहे हैं इस वक्त इनके आगे एक्चुअली किसी के नहीं चलती हैं ये अपने दिमाग में और अपने ओपिनियंस में बहुत कड़क हैं और बहुत स्ट्रेट हैं ये इस वक्त यहां पे खड़े रह के ही इज प्रिटेंडिंग लाइक हां मैं मेरी ओपिनियन डजंट मैटर बट He has a very strong opinion और जब वो अड़ जाते हैं किसी बात पर तो it becomes very difficult to convince him otherwise. So that's something that nobody knows off the set. ये बात है. ये this is actually true. सबसे ज़्यादा strict है इस मामले में दादा. Hello. Yeah. My question is Shilpa ji and Geeta ji. Can you tell me the dance का format change होता है दिन भर दिन change होते जा रहा है. Can you tell me what is it like? You know, पहले dance अलग था अभी more of a aerobics है dance में. In reality में can this For thing can come in movies and all. I think परिवर्तन जिंदगी का नियम है. You can't have the same stuff that you've seen. अभी मेरे पिया गए रंगून आप अभी आज के जमाने में तो वो कर नहीं सकते. तो obviously you have to evolve and you have to, welcome new dance forms. And I think Super Dancer का जो platform है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आई हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो डांस स्टाइल्स तो कभी कभी मैं गीता की ओर देखती हूँ मैं बोलती हूँ ये क्या किया उसने यू नो दिस ट्वर्किंग एंड क्रम्पिंग एंड आई मीन दीज थिंग्स आई नेवर इवन हर्ड ऑफ दीज थिंग्स टिल 10 इयर्स अगो और 5 इयर्स अगो ये सारे नए डांस स्टाइल्स हैं एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक सो मे बी 30 years ago, you mustn't have heard of break dancing, right? Or 40 years ago, they can break dancing except hua. Ab aise, you will see all different kinds of dance styles. I don't think it's aerobics, and I think hum log khas taur pe super dancer ke set pe is cheez ka dhyan dete hain ki agar if it's only aerobic and if it's only like cartwheels and if it's gymnastics or dance nahi hai usme. तो वर्सिटैलिटी होगी नहीं एंड दैट विल नॉट मेक अ सुपर डांसर इट वोंट मेक अ कंप्लीट डांसर सो हम लोग बहुत ध्यान देते हैं इस चीज को लेकर राइट लास्ट क्वेश्चन सर लास्ट क्वेश्चन या मैं एक सवाल एनपीजी से करना चाहूंगा प्रदीप सरदाना एनपीजी एक पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पाले में नजर आ जाते हैं ये मुझे लगता है अब शायद कहावत होगी पूत के पांव सुपर डांसर में नजर आ जाते हैं एकदम सही बात क्या बात क्योंकि जिस तरह का टैलेंट इसमें पिछले साल हमने देखा तो लग रहा था कि शायद इतना हाइट पे पहुंच गया है पहले इतना शिखर पे पहुंच चुका है एक तरफ इतना अच्छा टैलेंट और इतने एक तरफ इतनी अच्छी इनकी जो त्रिकोणी जोड़ी है त्रिकोणी है त्रिवेणी है तो इससे इतना अच्छा प्रोग्राम ये बन गया है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि जब आप पिछली बार भी इसका रिजल्ट देख चुके हैं जब पिछली बार कपिल के शो पर हमने इसका प्रोमो देखा था तब भी हम चौंक गए थे आज फिर दोबारा चौंक गए और एक खुदा वाले जोड़ी ने तो बिल्कुल ही एक खुदा कर दिया तो क्या आप इसको हमेशा अपना एनुअल प्रोग्राम बनाना चाहेंगे जिस तरह की आप देख रहे हैं इतना अच्छा रिस्पॉन्स है और हर साल इतने अच्छे बच्चे आ रहे हैं एनुअल इवेंट की तरह इसको करना चाहेंगे प्लीज करो प्रदीप जी हमारे लिए थोड़ी रोजगार योजना है सर आप सर थैंक यू वेरी मच ये सवाल पूछने के लिए इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहेंगे जी थैंक यू एक सवाल मेरा शिल्पा जी सर इनके जवाब तो मिलने तो क्या बात कर रहे हो यार रुको एक मिनट इनके जवाब में हमारा बहुत कुछ छुपा है सर रुक जाओ एक मिनट रुकिए सर आप पांच लोग अटके पड़े हैं प्रदीप जी आपने सही कहा इस बार का टैलेंट लास्ट सीजन से भी और ज्यादा अच्छा है और उसका
श्रेय सारी टीम को जाता है और जजेस को जाता है जिन्होंने वो चुन के हीरे निकाले हैं। और अगर इसी तरह से हमें टैलेंट मिलता रहा तो हम ये शो कई बरस चलाएंगे। दानिश ने पहले कहा था हमारे नेटवर्क पे ऐसे शोज हैं जो एक शो 20 साल से चल रहा है, एक 13 साल से चल रहा है, एक 9वें साल में है, KBC 7 साल से है, इंडियन आइडल के 8 सीज़न 14 साल और 8 सीज़न हो चुके हैं। तो ये तो अभी इसका ही है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप क्या बात है, जोरदार तालियां इसी बात पे। और मैं अभी जैसे थैंक यू सर, मैं अभी शिल्पा से भी बात कर रहे थे हम पहले। शिल्पा जब कहती है सुपर से ऊपर, तो सुपर जब लगता है तो क्यों ना इसको सुप्रीम डांसर किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे ऊपर कुछ है नहीं। सुप्रीम डांसर हो तो ज्यादा अच्छा है, सुपर डांसर। ये टाइटल हमें हमारे हम लोगों के लिए बहुत सूट कर गया है, तो हम इसे इस ना इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहेंगे, ना किसी मोमेंट को, ना किसी जज को, ना किसी टेक्निकल टीम को। आई जस्ट थिंक एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, सो आई लव सुपर डांसर, नथिंग शुड चेंज अबाउट दिस शो। यस, नथिंग। शिल्पा जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आप या अनुराग जी या गीता जी या तीनों एक एक करके जवाब दे सकते हो। ये जो बच्चे डांस कर रहे हैं, सीख के आए हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, इन द लॉन्ग रन आगे जाहिर है कि ये डांसर नहीं बनेंगे, इनके करियर ग्राफ में ये डांस कितना मदद करेगा, किस एज तक, कब तक, ये जरा बताइएगा आपकी समझ के हिसाब से। मैं शुरू करूं? अनुराग जी, आप भी या कोई भी। देख, क्या है, मुझे लगता है डांस क्या सिखाता है, डांस आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको नियम से चीज़ें सिखाता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। मुझे जितने भी बच्चे, हम भी बार बार जज करते समय कहा है कि ये एक आपके जीवन में एक चैप्टर है, सारे जगह से लोग, सारे प्रदेश से, सारे शहर से आए हैं, सारे बच्चे एक साथ, टेक इट एज ए इवेंट। आई थिंक ये इनको ये जो कॉन्फिडेंस देता ना, हम जब बच्चे थे, हम लोग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, मैं भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट था, थिएटर करता था, डांस करता था, लेकिन इतना बड़ा, इतने बड़े दर्शक हमें कभी नहीं मिले जहाँ पूरा देश देख रहा है। एवरी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नीड्स ऑडियंस, ये बच्चों को ऑडियंस मिल रहा है जो उनको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और हम लोग ये भी कहते हैं, मुझे ख्याल था लास्ट टाइम सेमीफाइनल में कहा था हमने कि ये शो ख़त्म होगा, थोड़े दिन तक लोग याद रखेंगे, फिर नया शो आएगा, लाइफ विल गो ऑन। तो हम लोग तो बच्चों को तैयार कर देते हैं साइकोलॉजिकली कि आपको जीवन लंबी है, आगे इस कॉम्पिटिशन के बाद आपका जीवन शुरू होगा। बैठ जाए यार उसके ऊपर। तो यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बोली कि ऐसा पहली बार इस चैप्टर में हुआ है जहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं बच्चों को लेकर, लेकिन मुझे लगता है इसलिए, इस वजह से हुई है क्योंकि बेंचमार्क इतना हाई रहा है इस शो के लिए और हमारे लिए कि, और तीनों का नज़रिया जायज़ सी बात है कि डिफरेंट होंगी। तो आई जस्ट थिंक दैट द ब्यूटी अबाउट दिस एंटायर इक्वेशन बिटवीन द जजेस इज़ दैट वी, यू नो, वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। और इसमें मतलब कोई बुरा लगने वाली बात है ही नहीं कि अगर उनको कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता है या नहीं लगता है कि अगले पड़ाव तक जाना चाहिए, ये इनका नज़रिया है और उसे बैकअप करने के लिए इनके पास लॉजिक है और रीज़न है, तो वी आर ओके विद दैट एंड वाइस वर्सा। तो इसमें बुरा लगने वाली बात है ही नहीं, बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग द बेस्ट सुपर डांसर फॉर द शो। नहीं, देखिए, लखीमपुर से लेकर कानपुर से लेकर कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं और सब बच्चों जिस क्वालिटी ऑफ डांसिंग है, गीता आपको बताएगी, वो तो इतना अच्छे से उस छोटे से शहर में ऐसा सब सीख रहे हैं। हम तो देखिए, हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि जब हमारे पास जब आते हैं, मतलब शॉर्ट लिस्ट से जाते हैं, टीम जाती है, ढूंढती है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ और भी बच्चे रहे होंगे, इतने बच्चे तो, और जिस तरह से स्टैंडर्ड
बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे पॉकेटों में, छोटे छोटे डांस क्लासेस में, इट्स अमेजिंग मुझे. और कभी कभी मैं विदेशी डांस शोज़ देखता हूँ, कभी रियलिटी शोज़ देखता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, और बहुत खुशी होती है. आई थिंक हम लेकर जाने वाले कोई नहीं है, बच्चे आ रहे हैं वो सब लेकर, दे कम विद एन इंटेंशन ऑफ बीइंग बेटर देन द अदर्स. तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको कि आओ यहाँ पे अपनी किस्मत भी आजमा लो और कुछ सीख कर भी चले जाओ. बट आई टोटली अग्री विद दादा कि ऐसे छोटे छोटे कस्बों से बच्चे आए हैं, अनबिलीवेबल है हमारे लिए. एंड लाइक शी ऑल्सो मैंशनड अर्लियर, शिल्पा जी ने ये कहा था कि शहर के बच्चे शायद थोड़े से लेड बैक हो गए हैं और दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे हैव एवरीथिंग, क्या ये ज़रूरी है. वो बच्चे बड़े सपने लेके आते हैं एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच ऑन दिस शो. एंड मैं चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ से निकलें वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाए और वो कहें कि वी आर गेटिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया. सो दैट इज़ आर ड्रीम आई थिंक, टू सी देम ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नाउ. आई थिंक दे आर वेरी ब्लेस्ड. तो कुछ ऐसे डांसर्स होते हैं जो इंट्रेंसिकली बहुत ही नेचुरल डांसर्स हैं और उन्हें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और कुछ ऐसे डांसर्स हैं जैसे दे आर लिविंग द ड्रीम ऑफ समवन एल्स, जैसे उनकी मम्मी शायद डांसर बनना चाहती थी और उनको मौका नहीं मिला तो बच्चों को डांस क्लास में डाल दिया और बहुत सारा प्रैक्टिस किया है उन्होंने, तो दे हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल एंड दे हैव बिकम गुड. But I really think that, you know, the dancers that really stand out in our, on our platform are the dancers that are naturally talented, who really dance with passion and who are there because they want to be there, not because they want to fulfill a dream of their parent, you know. And I think it's very difficult for us as judges to kind of sift from the dancers that are trained and the dancers that are naturally talented. तो वो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है देखना. और कभी कभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने एबिलिटीज़ को, अपने सेंसिबिलिटीज़ को भी, क्या हमने सही किया, क्या ये डिसीजन सही था. पर आई थिंक वी हैव डन वेल सो फार. और पिछले सीज़न को अगर आप देखेंगे, हमारे फाइनलिस्ट को देखेंगे, आई थिंक आर जजमेंट वॉज सम, इफ इट्स समथिंग टू गो बाय, आई थिंक वी हैव अ फेयर सेंस ऑफ जजमेंट एंड वी फील कॉन्फिडेंट इन दिस सीज़न. Okay, the last one. Who is your favorite dancer from the industry? From the industry? Chagra. No. Right now, definitely it's Tiger Shroff. Yeah. Right now. From the actresses? अभी तो मैं industry में हूँ क्या? Amongst the actresses, Dada will be able to tell me. अच्छा ना, मेरे भी पास ऑन करो. Sorry, अच्छा एक का नाम लेंगे फिर दूसरा दो. I think all of them are really, really supremely talented. There's nobody who like if you tell me Tiger has a special natural talent, yeah, so that's a different kind of dancing. Ladkiyon mein who is a good dancer like this? Yeah, aise koi aa nahi raha. You tell, it could be Shraddha because she did ABCD, so we kind of saw dancing ability. Yeah, Shraddha, but the other girls haven't got a chance. Jacqueline is also she's got a knack, she's got a natural swag, and I like her. The retro dancers like Helen, you said the name and then after telling me the name, what you asking me? Give an example. Helen, they're legendary, Jashniti. Yeah, they're all iconic dancers. They set a style. I think that's the beauty. Also, you know, I'd like to make it's an analogy for me. Like if you're able to set a trend and leave a mark. Like today we have dancers in Super Dancer 2 who come in doing the Masoom wave. Doing the Lakshman cartwheel, अरे ये हेलन जैसे मतलब थिरकती हैं, अगर बोल सकते हैं ये बात, मतलब बहुत बड़ी बात है. तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस टू बी पार्ट ऑफ वेर वी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द राइट काइंड ऑफ टैलेंट एंड इट्स टर्निंग सम रियली अमेजिंग डांसर्स आउट. या थैंक यू सो मच.